half three when I called you up. Said I need you now cause I'm losing patience. By four you were knocking on my door. I said love is a two-way. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं किसी अजीब से अलग से बाज़ार में आई हूँ। मैं आई हूँ अपनी बुआ के घर जो है नारनौल में। कौन कौन लोग मुझे नारनौल से फॉलो करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आज अपने बुआ फूफा जी के घर आई हूँ, मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी। मेरी एक लौती बुआ है, बहुत अज़ीज़ है मेरे, जैसा कि मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अभी बुआ और मैं आए हैं थोड़ा सा बाज़ार घूमने, तो अभी थोड़ा सा बाज़ार आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर घर जाके बुआ फूफा जी से आप लोगों को मिलवाऊँगी। तो अभी मैं आपको नारनौल का मार्केट घुमाती हूँ और मार्केट में ही एक मंदिर है तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग मंदिर आए हैं, ये चामुंडा देवी मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है अंदर से। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इंडिया में आपको मंदिर ही मंदिर घुमा रही हूँ, बट जैसा कि मैं अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ पूजा पाठ को बहुत माना जाता है, भगवान को माना जाता है। और पर्सनली मैं भी भगवान से बहुत कनेक्ट करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है मंदिर आना। तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ आप लोगों को दर्शन कराती हूँ भगवान के। और ये मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब मुझे तो बहुत देखने में सुंदर लगा, तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे कैप्चर किया आप लोगों के लिए भी। ये सारे रंग बिरंगे मार्केट इंडिया के मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। अभी हम लोग एक चूड़ी की दुकान पे गए थे, बट आज ना पूरे मार्केट में लाइट नहीं है। वो चूड़ी की दुकान बहुत अच्छी है, मैं बचपन में बुआ जी के साथ वहाँ आया करती थी। और अभी हम लोग एक बड़ी वाली दुकान पर आए हैं जहाँ पर बहुत सारी और भी चूड़ियाँ हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर कोई चूड़ी वगैरह मुझे पसंद आएगी तो मैं डेफ़िनेटली बाय करूँगी और मैं आपको भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। यहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, कड़े बुआ जी हमारे लिए हमेशा लेकर आती हैं और मैं लेकर भी जाती हूँ अपने साथ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की चूड़ियों का कलेक्शन क्या है। तो देखिए ये है सारी चूड़ियों का कलेक्शन, अगर मैं कुछ बाय करती हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊँगी। जिस शॉप में हम लोग गए थे वहाँ पे कड़ों की तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलेक्शन थी, बट मैंने अपने लिए बहुत ही सिंपल पेयर लिए हैं कड़ों के। और उसी शॉप में अंदर की साइड पे एक छोटी सी शॉप बनी हुई थी जहाँ पे ज्वेलरी की कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो हमने सोचा थोड़े से नेक पीसेस हम लोग देखते हैं। बुआ जी को अपने लिए कुछ बाय करना था तो देख रहे थे, और एक्सपेंसिव थे बट ब्यूटीफुल बहुत थे, तो सोचा आप लोगों के साथ भी कुछ डिज़ाइंस में लेटेस्ट डिज़ाइंस ये शेयर करती हूँ। आजकल इस तरीके के कलरफुल नेकलेसेस बहुत चल रहे हैं। तो मेरे कड़ों की शॉपिंग हो गई है, मैं कड़े आपको घर जाके दिखाती हूँ। और अभी हम लोग खाने वाले हैं गोलगप्पे। डेफिनेटली ये गोलगप्पे और चाट जो स्ट्रीट फूड होता है ना इंडिया का, वो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ कुछ ही दिनों बाद। तो जितने दिन हूँ थोड़ा सा और खा लेती हूँ, वेट तो बहुत बढ़ गया है, बट कोई बात नहीं यार, जाके सब कम कर लेंगे। अभी इंजॉय करते हैं यम्मी यम्मी स्ट्रीट फूड इंडिया का। तो बस शॉपिंग करने के बाद, चाट पकौड़ी खाने के बाद हम लोग वापस अब घर जा रहे हैं। और आपको बिल्कुल अंधेरा दिख रहा होगा, दो अभी 7 o'clock ही हुआ है, बट मौसम चेंज हो गया है तो आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। और ये छोटी जगह है तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्वेंस की प्रॉब्लम हो जाती है रात में, इसीलिए हम लोग जल्दी से घर निकल गए हैं। हम लोग मार्केट से आ गए थे और डिनर वगैरह किया, और आज मैंने ये अपना व्हाइट चिकन कारी वाला कुर्ता पहना है विद दिस चुनरी प्रिंट दुपट्टा। मेरी बुआ जी को भी मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, मैं आपको कह रही थी ना कि मैं कड़े ले रही थी, तो ये देखिए मैंने ये कड़े लिए हैं वहाँ से, दो कलर के, बहुत पतली पतली चूड़ियाँ हैं ये। ये देखिए इस कलर का ना मेरे पास एक सूट है, तो मैंने सोचा चलो ये मैं ये वाले कड़े ले लेती हूँ। और एक ये ब्लैक कलर के कड़े लिए, बहुत एलिगेंट मुझे लगे, मैंने सोचा ऐसे सिंगल सिंगल भी ऐसे डाल सकते हैं, या फिर अगर ऐसे आपको पेयर करना है किसी के साथ तो ये ब्लैक कड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक ले लेती हूँ। और हाँ मैंने एक, यस आप खा लो, अच्छा आप खाओ, गोविंद चॉकलेट खा रहा है, वो तो मम्मा के लिए भी लाया है चॉकलेट, आप खा लो।
तो ब्लैक कलर की मैंने ना एक साड़ी भी ली है, तो उसके साथ भी ये कड़े बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे, तो मैंने ये ब्लैक पहन लिया है। ज़्यादा मुझे कड़े चाहिए नहीं थे क्योंकि आप सबको पता है बहुत ज़्यादा पहनने के काम नहीं आते, तो बस यही दो पैर लिए हैं। बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कैसे लगे। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी बुआ जी से और फूफा जी से। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मेरी बुआ जी मेरी सारी वीडियोस देखती है और अब बुआ जी ने कमेंट करना भी सीख लिया है, तो बुआ जी कमेंट भी करती हैं। फूफा जी आप भी देखते हैं? हाँ देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। बहुत अच्छे वीडियो होते हैं, बहुत ब्लॉग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे वीडियो बनाती है हमारी प्रिया। तो इन वीडियोस के थ्रू एक्चुअली सबको पता चलता रहता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, कैसा मेरा घर है और कैसा लाइफस्टाइल है, क्यों बुआ जी? हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फूफा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बचपन की बातें? अच्छा आप बताइए, मेरी शादी की कुछ बात बताइए आप। आप बताइए, आप मेरे फूफा जी मेन लीड थे अंशुल से मेरा रिश्ता कराने में, मतलब सबकी ये मिली भगत थी, मेरे मामा लोगों की, मेरे फूफा जी लोगों की। तो फूफा जी अपना एक्सपीरियंस बताइए। नहीं नहीं, बस ये तो बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया, और थोड़ा प्रयास किया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। नहीं आप बताइए ना मैंने क्या एक्टिंग की थी शुरू से, जैसे दिल्ली से चले। नहीं फूफा जी आप मना कर देना, नहीं फूफा जी आप मना कर देना। नहीं बेटा देखेंगे, आपको जचेगा, अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे फिर वहाँ देख के मगा बोलो अब तो वहाँ करोगे, सात बार ही वहाँ करूँगा। जब इन्होंने सात बार हाँ करी, जब हमने ये रिश्ता पक्का किया था। और अंशुल जी बेचारे को तो डर भी बहुत लगता है अपने फूफा जी से। तो मेरा रोका दिल्ली में हुआ था पहले, एक्चुअली रोका होता लखनऊ में, बट लकीली कह लीजिए या कुछ भी कहिए, रोका हुआ था मेरा दिल्ली में। तो बुआ जी भी एकदम अर्जेंटली मेरे रोके में अटेंड करने आई नारनौल से, बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और आज की मेरी ट्रेन थी जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी छूट गई। एक्चुअली ट्रेन 40 मिनट्स लेट थी, तो हम लोग ने सोचा घर से आराम से निकलेंगे और रास्ते में उसने कहीं कवर अप कर लिया। वो बांद्रा थी, मतलब मुंबई से आ रही थी वो ट्रेन, और कवर अप करके ट्रेन जल्दी आ गई हमारे स्टेशन पे और हमारे सामने सामने निकली है ट्रेन। तो अभी बुआ जी और बाबू और मैं और मेरा भाई बस स्टैंड पर बैठे हैं, वोल्वो की टिकट करा दी है। अब मैं वोल्वो से दिल्ली जाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर ट्रैफिक का, ये देखिए। मिंकू हेलो बोल रहे। हेलो। वो थोड़ा कैमरा शाय है, उसने हेलो कर दिया, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरी प्यारी सी बुआ जी। हेलो एवरीवन, मैं अभी कुछ ही देर पहले घर पहुंची हूँ एट अराउंड 3 o'clock, और आके बस लंच किया और बहुत टायरिंग लग रहा था, तो थोड़ा सा सोकर अभी मैं उठी हूँ। और मैंने सोचा, मैं अपना सामान लगा रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी बुआ जी ने मुझे क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। वैसे सभी लोगों ने मुझे बहुत सामान दिया है, बुआ जी ने भी बहुत सारा सामान दिया है, तो आज इस व्लॉग में मैंने सोचा कि बुआ जी वाला सामान तो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो सामान अब पैक हो चुका वो तो मैं आपको वहीं जाकर दिखाऊंगी। और अब मेरी छुट्टियों के सिर्फ 4 days बचे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर पल को, ईच मोमेंट आई शुड इन्जॉय टू द फुलेस्ट। इसीलिए व्लॉग्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ, एडिटिंग का टाइम मुझे नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ बी विद मी, मैं कोशिश करूँगी जितने व्लॉग्स हो पाए मैं एडिट कर पाऊँ तो मैं वो डाल दूँगी, और अगर ज़्यादा व्लॉग्स नहीं एडिट हो पाएंगे तो ये सारे व्लॉग्स मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जाने के बाद धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अलॉन्ग विद द फेस्टिवल व्लॉग्स इन शिकागो। तो बस यही था मुझे कहना, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम से लाइक 3-4 days हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, सो आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। बस मैं ये मोमेंट्स को इन्जॉय करना चाहती हूँ टू द फुलेस्ट, क्योंकि एडिटिंग थोड़ा सा टाइम लेती है, इसीलिए आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं भी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर रही हूँ। तो चलो मैं भी आपको सामान दिखा देती हूँ, ये देखिए। पहले तो ये बेडशीट्स मेरी बुआ जी ने दी हैं, ये सलोना बिछोना ब्रांड से हैं, और ऐसे वाले प्रिंट्स ना US में नहीं मिलते, इतने कलरफुल बेडशीट्स। तो बुआ जी को ये बेडशीट्स अच्छी लगी मेरे लिए, उन्होंने लाकर रखी हुई थी। तो एक ये बेडशीट है और एक ये वाली, मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। मैं भी आपको इसका पिलो केस से दिखाती हूँ बेडशीट का प्रिंट, ये देखिए। मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको ये बेडशीट्स। उसके बाद अब गोविंद स्कूल स्टार्ट करेगा, तो बुआ जी ने उसके लिए एक दिया है लंच बॉक्स और एक बहुत ही सुंदर सी वाटर बॉटल। वाटर बॉटल तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई, खोल भी दी है उसने,
ये देखिए ये वाटर बॉटल है और लंच बॉक्स भी स्टील वाला है तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद दिया है बुआ जी ने ये टॉय, गन वाला टॉय लेकर आया है बुआ जी के घर से। और बुआ जी ने होम डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव पीस मुझे दिया है, कृष्ण एंड राधा जी का। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, ये थोड़ा सा हैवी है, पता नहीं मैं इसे कैसे लेके जाऊंगी, बट मेरा मन बहुत है कि मेरे सामान में थोड़ा सा स्पेस हो, मैं इसे ज़रूर लेकर जाऊँ। और कंगन तो मैंने आपको कल दिखाए ही थे, कड़े जो मैंने लिए थे बाज़ार से, ये भी बुआ जी ने मुझे दिलवाए हैं। ये देखिए और बहुत सारा खाने पीने का सामान दिया है, ड्राई फ्रूट्स, लेज और किंडर जॉयस का तो आप पूछिए मत, बहुत सारी गोविंद लेकर आया है और मिठाई, तो वो सब तो है ही। तो ये सब बहुत प्यार से जो सब मेरे को सामान दे रहे हैं, अपना लाड दे रहे हैं, मैं भी बस कोशिश कर रही हूँ कि सब समेट लूँ और सब अपने साथ में लेकर जाऊँगी। यकीन करिएगा मैंने कोई भी इंडिया का ब्लॉग अभी तक एक बार भी खुद से नहीं देखा है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बस मैं बना के अपलोड कर देती हूँ। बस मेरी कोशिश ये है कि ये सारी मेमोरीज़ मैं वीडियोज़ के थ्रू बस एक बार रिकॉर्ड कर लूँ, जिससे कि बाद में जब मैं इन्हें बैठ के फुर्सत से देखूँगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी फैमिली के लाड़ प्यार बटोर रही हूँ, समेट रही हूँ और बस अब ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी अपनी पैकिंग करूँगी, स्टार्ट करूँगी पैकिंग करना। थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, थोड़ी सी अभी और पैकिंग करना है क्योंकि सामान भर जाएगा तो मुझे पता नहीं रहेगा कि अब मेरे पास कितना लिवरेज है लगेज में, तो इसीलिए अब थोड़ा सा पैक करूँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आपको मेरे इंडिया के ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब बस कुछ ही लास्ट के ये ब्लॉग्स हैं, तो ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा मेरे इंडिया के ब्लॉग्स को और एनीवेज हर वीडियो को। एंड अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बुआ जी ने जो सामान मुझे दिया है वो आपको कैसा लगा। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।